कक्षा 8 गणित मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 9 कर संहिताएं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 9.2। देखते हैं इसमें कौन सी कर संहिताएं, आपको तीन कर संहिताएं बताई थी। पहली कर संहिता जो थी वो ए धन बी का वर्ग, इसमें क्या था, ए का वर्ग था धन 2ab का धन बी का वर्ग। दूसरी कर संहिता क्या थी हमारे पास, ये थी a ऋण b का वर्ग, ये कितना था, a का वर्ग था ऋण 2ab था और धन b का वर्ग था। एक तीसरी सबसंख्या और थी जिसे आप लोगों ने पढ़ा था, वो था a का वर्ग ऋण b का वर्ग, क्या था ये, a धन b था और a ऋण b। यही तीनों सबसंख्याएं हम अपने प्रयोग में लेंगे और किसी की सहायता से हम गुणनखंड करेंगे। अब ध्यान रखना, कहीं a प्लस बी का होल वर्ग है तो इसका गुणनखंड a प्लस बी और a प्लस बी होगा। यदि a ऋण b का वर्ग है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, a ऋण b हो जाएगा और a ऋण b हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका तीसरा मैंने दिखाई दिया है, तो ये सभी चीजें हमारे गुणनखंड में प्रयोग में आने वाली है। देखते हैं कैसे प्रयोग में आती है, तो चलते हैं हम इसके लिए सबसे पहले उदाहरण नंबर 7 पर। ये क्या लिखा हुआ है, 9x/2 है, धन 24 है xy और धन है 16y/2। चलिए देखते हैं क्या बनता है, ये जो है 3x/2 हो जाएगा और प्लस ये 4y/2 हो जाएगा और धन 2 गुणा इसमें लिखेंगे 3x और इधर से लिखेंगे 4y। और इसको हम चेक करेंगे कि ये गुणा करके इतना आ रहा है कि नहीं, 24xy, तो 3 × 6 = 24 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सही है। लेकिन सरसंख्या लग गई, कौन सी सरसंख्या लगेगी, a धन b का वर्ग बराबर कितना होगा, a का वर्ग होगा धन 2ab होगा धन b का वर्ग, ये सरसंख्या इसमें प्रयोग में आएगी। ये 3x + 4y का होल वर्ग हो गया, इससे क्या फायदा होगा हमारा, अब ये 3x + 4y का होल वर्ग है, अब इसको दो बार लिखेंगे, 3x + 4y हो जाएगा और दूसरे में भी 3x + 4y हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। उदाहरण नंबर अब 8 ले रहे हैं, 8 में क्या है हमारे पास, p^2 है -4pq है धन 4q^2 है। यहां पर भी जो सरसंख्या लगेगी वो a ऋण b का वर्ग वाली लगेगी, इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें हो जाएगा a का वर्ग ऋण 2ab और धन b का वर्ग। चलो देखते हैं कैसे लगती है, ये तो सबसे पहले p का वर्ग हो गया ऋण, और यहां पे आ जाएगा 2 × p, और यहां जो 4q है इसका मतलब 2q का ये वर्ग है, और यहां गुणा कितना आएगा 2q, गुणा करके देखते हैं 2 × 4pq हो गया, इसका मतलब हमारा सूत्र सही लगा है, यानी सरसंख्या सही लगी है, तो p − 2q का होल वर्ग हो गया। अब इसके दो जगह लिखने हैं तो p − 2q एक में आएगा और दूसरे में कितना हो जाएगा p − 2q हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया, गुणनखंड की फॉर्म में आ गया है। चलते हैं उदाहरण नंबर 9 में, उदाहरण नंबर 9 में जो सरसंख्या लगेगी उसे भी लिख के दिखा दे रहा हूं, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर हो जाएगा a धन b, यानी एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, a ऋण b हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, ये 16 है m^2 है -25 है n^2 है, 16 का मतलब 4 हो गया और ये m हो गया, 4m का वर्ग हो गया और ये 5n, 25 का 5 हो जाएगा और ये ऐसे जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब ये एक बार जुड़ जाएगा यानी 4m + 5n हो जाएगा और दोबारा क्या होगा 4m - 5n हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 10 देखते हैं, इसमें भी मैं सरसंख्या जो लगाऊंगा वो यही लगाऊंगा, a ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, 4x - 3y का होल वर्ग है ऋण 100 है, तो पहले हम सजा के लिखेंगे 4x - 3y का होल वर्ग है और ऋण क्या होगा 10 का वर्ग हो जाएगा। अब यही सूत्र लगाना है, मैं फिर से सरसंख्या लगानी है, लगा दीजिए तो 4x - 3y प्लस का पहले 10 हो जाएगा और दूसरे में 4x - 3y ऋण 10 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा, मतलब यही गुणनखंड होगा। प्रश्नावली 9.2 चलते हैं,
इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें जो शर्त श्रृंखला लगाऊंगा वो पहले लिख के दिखा दे रहा हूँ। ए धन बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए का वर्ग धन दो ए बी और धन बी का वर्ग। चलो लगा के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर एक्स की घात दो है, फिर बीस एक्स वाई है और धन पच्चीस वाई की घात दो है, तो चार एक्स है मतलब दो एक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस दो गुणा दो एक्स आ जाएगा, और इधर से पच्चीस है पच्चीस का पांच वाई आएगा, पांच वाई का वर्ग है तो यहाँ गुणा में पांच वाई आ जाएगा। गुणा करके देखते हैं पांच दुनी दस अठ दुनी बीस हो जाएगा, बीस ही यहाँ दिया और एक्स वाई भी है इसका मतलब, तो ये हो गया दो एक्स प्लस पांच वाई का होल वर्ग। अब इसको दो जगह लिख देंगे दो एक्स प्लस पांच वाई और दूसरी जगह भी दो एक्स प्लस पांच वाई हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्नावली इसी का दूसरा प्रश्न है ये, इसमें भी जो शर्त श्रृंखला लगने वाली है वो लिख के दिखा दे रहा हूं। ए धन बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग हो जाएगा धन दो ए बी आएगा और धन बी का वर्ग हो जाएगा, यही इसमें शर्त श्रृंखला प्रयोग में आएगी। चलिए लिख लेते हैं पहले प्रश्न को, तो 25 ए का वर्ग है 70 ए बी है और धन 49 बी का वर्ग है। चलिए देखते हैं ये 5 ए का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 गुणा 5 ए तो यहीं से आ गया, गुणा और देखते हैं यहाँ पे 49 का 7 बी का वर्ग है ये तो गुणा 7 बी आएगा। अब चेक कर लेते हैं क्या 70 हो गया, तो 5 दुनी 10 दर्द हम 70 ए बी आ गया, इसका मतलब हमारा सूत्र सही लगा हुआ है, शर्त श्रृंखला सही लग गई है। तो पांच ए धन सात बी इसका ये होल वर्ग हो जाएगा, तो ये कितना हो गया पांच ए प्लस सात बी और दूसरे में भी पांच ए धन सात बी हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं सी पार्ट पे इसका, इसमें भी हम लगाएंगे जो शर्त श्रृंखला वो यही ए धन बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन दो ए बी धन बी का वर्ग। चलो लगा के देखते हैं, 9x की घात 2 है और 6x है और धन 1 है, ये तो हो जाएगा 3x का होल वर्ग, यहाँ 2 गुना 3x हो जाएगा और गुणा में 1 आएगा और ये 1 का वर्ग ही लिखा हुआ है। अब कितना हो गया 3x धन 1 का होल वर्ग हो गया, तो इसको लिखेंगे 3x धन 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में भी 3x धन 1 लिखेंगे, यही इसके गुणनखंड हो गया और यही इसका उत्तर हो गया है। चलते हैं आगे देखते हैं डी पार्ट में, यहाँ पर भी जो शर्त श्रृंखला लगेगी वो ए धन बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन दो ए बी धन बी का वर्ग लगेगा। चलिए प्रश्न को लिख लेते हैं, तो वन प्लस है अठारह है ए है प्लस इक्यासी ए का वर्ग, ये तो एक का वर्ग हो जाएगा, फिर दो गुना एक आ जाएगा गुना अठारह लाना है अभी तो 9 और आएगा और a आ जाएगा और ये इक्यासी a है मतलब 9 a का ये वर्ग है, तो ये तो हो गया शर्त श्रृंखला 1 प्लस 9 a का वर्ग। इसको दो बार लिखना है 1 प्लस 9 a और दूसरे में भी 1 प्लस 9 a और यही गुणनखंड होंगे और यही इसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं शर्त श्रृंखला, इसमें भी शर्त श्रृंखला जो लगनी है वो a प्लस b का वर्ग लगना है, ए का वर्ग हो जाएगा धन दो ए बी हो जाएगा धन बी का वर्ग। चलिए लगा के देखते हैं, पी की घात दो है धन पी है धन एक बटा चार है, तो पी का तो वर्ग हो गया धन दो गुना पी हो जाएगा और गुना एक बटा दो लिखेंगे और इसी एक बटे दो का वर्ग हो जाएगा क्योंकि एक बटा चार बन जाएगा, ये दो से दो कट जाएगा पी रहेगा, इसका मतलब हमारा शर्त श्रृंखला सही है, तो ये पी धन एक बटे दो का वर्ग हो गया, तो कितना आ जाएगा p धन एक बटा दो और दूसरे ब्रैकेट में भी p धन एक बटा दो हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को गुणनखंड कहेंगे हम। यहाँ पर भी शर्त श्रृंखला जो लगनी है वो a धन b का वर्ग बराबर कितना लगना है a का वर्ग हो जाएगा धन दो ए बी धन b का वर्ग। चलिए लगा के देखते हैं, 36 a की घात दो है और ये 132 ए बी धन 121 b की घात दो, 36 का मतलब 6a का वर्ग 2 गुणा 6a आ गया और यहाँ से 11b का वर्ग हो गया और गुणा यहाँ पर अगर हम 11b कर दें तो देख लेते हैं, तो ये हो गया 6 दुनी 12, 12 की अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो ये 132 ही आएगा, इसका मतलब हमारा सूत्र सही है यानी शर्त श्रृंखला लग जाएगी। तो 6a प्लस 11b का ये क्या हो गया
पूर्ण वर्ग हो गया, यानी एक बार 6a+11b लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में भी वही लिखेंगे 6a+11b, और यही आपका आंसर हो गया, गुणनखंड हो चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, षट समकाओं का योग कर गुणनखंड करिए। इसमें भी षट समकाएं जो लगने वाली हैं वो ये लगेंगी, a ऋण b का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। चलिए लगा के देखते हैं कैसे होता है। ये हो जाएगा, क्या लिखा है, a का वर्ग है ऋण 10ab है धन 25b का वर्ग है। चलिए देखते हैं, ये a का वर्ग हो गया ऋण 2 गुना कितना होगा, a गुना 5b हो जाएगा और ये 5b का वर्ग हो जाएगा। तो कितना लिखा जाएगा, a ऋण 5b का वर्ग हो जाएगा, इसको दो बार लिखेंगे, a ऋण 5b और a माइनस 5b, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे को भी देखते हैं, ये लिखा हुआ है 16x² - 104x और प्लस का 169। चलिए ये जो है 4x का वर्ग है ऋण 2 गुना 4x हो जाएगा और गुना 13 13 104 हो जाएगा, धन 13 का वर्ग हो गया। ये 13 का वर्ग 169 ही होता है। तो देखिए ये क्या हो गया, सूत्र यानी षट समकल लग गई, 4x - 13 का होल वर्ग, इसको दो बार लिख दीजिए तो 4x - 13 हो जाएगा और दूसरे में भी 4x - 13 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा दूसरे प्रश्न का सी पार्ट है। ये लिखा हुआ है 121x का वर्ग ऋण 88xy है और धन 16y का वर्ग है। यहाँ पे जो षट समकल लगेगी वो a ऋण b के वर्ग वाले लगानी है, यानी a का वर्ग हो जाएगा ऋण 2ab हो जाएगा धन b का वर्ग हो जाएगा। चलो लगा के देखते हैं, ये 11x का स्क्वायर है माइनस 2 गुना 11x हो जाएगा गुना, यहाँ पे कितना है 16y² है, इसका 4y² हो जाएगा, यानी 4y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ गुणा 4y करके देखते हैं इतना आता है, तो 4 × 8 और 11 × 8 = 88xy, बिल्कुल सही है। तो अब क्या हो गया, ये 11x - 4y का होल वर्ग हो गया, इसको दो जगह लिख लेंगे, एक बार 11x - 4y और दूसरे में भी 11x - 4y हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, ये है x का वर्ग है माइनस का 30x है और 225 है। चलिए इसे देखते हैं, x का वर्ग हो जाएगा ऋण 2 गुणा x हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 225 का मतलब 15 का वर्ग है, और यहाँ पे क्या करेंगे 15 लिख करके देखेंगे, ये आ रहा है कि नहीं 30, तो 15 × 30x बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 15 का ये होल वर्ग हो गया। इसे x माइनस 15 एक बार लिखेंगे और दूसरे में भी x माइनस 15 लिखेंगे और यही गुणनखंड है, इसके मतलब उत्तर यही है। अब आता है इसका ई पार्ट, ई पार्ट में भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें भी जो षट समकल लगने वाली है वो वही लगेगी, a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab और धन b का वर्ग। चलिए देखते हैं, 36 है a का वर्ग है ऋण 12a है धन 1 है, 36 का मतलब 6a का वर्ग हो गया, 2 गुना 6a हो गया, फिर 12a हो गया और गुना 1 और आ जाएगा और प्लस 1 का मतलब 1 का वर्ग हो गया। तो ये हो गया षट समकल 6a - 1 का होल वर्ग, तो इसको दो बार लिख देंगे 6a - 1, दूसरे में भी 6a - 1 और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो षट समकल लगने वाली है वो a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b, ये वाली षट समकल लगेगी। देखते हैं कैसे, पहले में है 25a का वर्ग माइनस 49b का वर्ग, तो ये हो गया 5a का वर्ग और ये 7b का वर्ग, एक बार जोड़ देंगे इसको 5a + 7b और एक बार इसको घटा देंगे मतलब 5a - 7b और यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब है 9x² - 121y², देखो इसको क्या हो जाएगा, ये 3x का वर्ग हो जाएगा और ये -11y का वर्ग हो जाएगा, तो 3x + 11y हो गया और दूसरे में 3x - 11y हो जाएगा और यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जरा सी पार्ट इसका। यहाँ पर भी जो षट समकल लगने हैं वो a² - b² = a+b लगेगा और a - b लगेगा। देखते हैं क्या है, ये 64a² - 1 है मतलब 8a का वर्ग हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग,
अब हो जाएगा 8a-1 और दूसरे में 8a-1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, ये 1-16b² लिखा हुआ है, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और 4b का वर्ग करेंगे तो 16b² हो जाएगा। अब ये 1-4b जुड़ जाएगा और यही एक बार घट जाएगा, 1-4b हो गया और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए प्रश्न 3 का ये ई पार्ट है, इसे भी देखते हैं। यहाँ पर भी जो सर संख्या लगेगी वो a-b का वर्ग बराबर एक बार जुड़ जाएगा, a-b हो जाएगा और एक बार घट जाएगा, a-b हो जाएगा। देखते हैं क्या है, 16/25 है, k का वर्ग है, माइनस 4/9 है और n का वर्ग है, ये हो जाएगा 4/5 k का वर्ग और -2/3 n का वर्ग। अब इसको जोड़ दीजिए एक बार तो 4/5 के धन 2/3 n आ जाएगा और दूसरे में 4/5 के ऋण 2/3 n आ जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है, इसका ए पार्ट है, इसमें भी जो सर संख्या लगने वाली है वो वही लगेगी, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a-b और a-b हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें पहले ये लेते हैं, x-4y का होल वर्ग है और -49 है, तो देखिए x+4y का ये होल वर्ग हो गया, ये 49 है तो 7 का वर्ग लिखेंगे इसे, तो x+4y+7 हो जाएगा एक बार और एक बार यही घट जाएगा, x+4y-7 हो जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलो इसको भी देखते हैं, 100 है, माइनस का कितना है 2a+3b का होल वर्ग, 100 का मतलब होता है 10 का वर्ग, -2a+3b का होल वर्ग दिया है, इसमें भी वही सर संख्या लगनी है जो ऊपर बताई है मैंने, यानी एक बार ये जुड़ जाएगा तो 10-2a-3b हो जाएगा और एक बार ये घट जाएगा, 10-2a-3b हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ का ये सी पार्ट है, जरा देखते हैं इसमें, अब इसमें दोनों तरह के सूत्र लगेंगे, मतलब a-b का वर्ग भी लगेगा, यानी a का वर्ग हो जाएगा -b का वर्ग -2ab और वो दूसरे वाला भी सूत्र लगेगा a²-b² का, a-b हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a-b हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लगाते हैं इसमें, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 4x का वर्ग है -20 है, xy है -25 है और y का वर्ग है -36 है। चलिए देखते हैं, ये तो जाएगा 2x का वर्ग -2×2x×कितना हो जाएगा 5y +5y का वर्ग -36, तो कितना हो जाएगा ये 2x +5y का होल वर्ग हो गया और ये 36/4 में 6 का वर्ग हो जाएगा। अब ये एक बार जुड़ जाएगा, 2x+5y+6 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, 2x+5y-6 हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये 9x^2 है, -4x है और -5y है, इसका वर्ग है। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 3x का वर्ग हो जाएगा, -4x-5y का होल वर्ग हो गया। अब a²-b² की सर संख्या लगेगी तो एक बार जुड़ जाएगा तो 3x+4x-5y आ जाएगा ये, और दूसरे वाले में घट जाएगी तो 3x-4x और प्लस का 5y आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो गया, ये 3x और ये 4 तो ये हो गया 7x-5y और यहाँ देखते हैं 3 में से 4 गया तो एक माइनस का x बच जाएगा तो यहाँ 5y-x हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये है ई पार्ट, ई पार्ट में जो सर संख्या लगेगी उसको भी ध्यान दीजिए, a का वर्ग ऋण b का वर्ग धन मतलब क्या हो गया, a-b हो गया और a-b हो गया। चलिए देखते हैं क्या है, ये x²y²-16 है तो ये हो गया xy²-4 हो जाएगा तो ये xy-4 हो गया और दूसरे में xy-4 हो गया और ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इस प्रश्नावली में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गई है, सूत्र के अनुसार ही लगाना है, तो ध्यान देना बच्चों, ये a²-b² वाली सर संख्या लगनी है, तो ये 5y का वर्ग है तो x-5y हो गया तो यहाँ x-5y आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर है प्लस 6x प्लस 9 है, तो इसमें x प्लस 3 पहले दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ x प्लस 3 है, तो यहाँ पर भी x प्लस 3 ही रहेगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 7 का ये वर्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 मतलब 2x माइनस 7 का वर्ग, तो 2x माइनस 7 तो यहाँ हो जाएगा, 2x माइनस 7 यहाँ भी आएगा। चलिए ये 2 का वर्ग है तो a प्लस बी प्लस 2 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2, बस यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग इनको आसानी से कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। छठा प्रश्न है, राम के पास x मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है, उसने स्कूल के रास्ते की लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5 मीटर की जगह छोड़ दी, अब राम के पास बची जमीन का क्षेत्रफल कितना है। देखो ये जो जमीन छोड़ी है ये 5 मीटर छोड़ी, तो जो शेष बच गई वो x माइनस 5 मीटर हो गई लंबाई है, तो इधर से भी x है तो ये भी x माइनस 5 मीटर हो गई, तो शेष इसका लिखना है शेष जगह की लंबाई कितना हो जाएगा, x माइनस 5 मीटर, और शेष लगभग जगह की चौड़ाई निकालेंगे तो भी x माइनस 5 मीटर ही आ जाएगी, ये शेष जगह पे है ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे शेष खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है x माइनस 5 है और चौड़ाई भी x माइनस 5 है। चलिए तो x माइनस 5 का ये वर्ग हो गया, तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2 गुणा x गुणा 5 और धन 5 का वर्ग, देखो कितना हो गया x का हो गया, और ये 5 दूनी 10 x हो गया और प्लस का 25 हो गया जो कि आंसर होगा। अब चलते हैं सातवें प्रश्न में, एक मंदिर में जितने मूर्तियां थी पुजारी ने उतने ही फूल प्रत्येक मूर्ति पे चढ़ाता था, माना x मूर्तियां थी तथा प्रत्येक पर x फूल चढ़ाता था, तो कुल फूलों की संख्या निकल जाएगी, फूलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x गुना x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर। मंदिर पुजारी अब भी प्रत्येक मूर्ति पर उतने ही फूल चढ़ाता है जितने मूर्तियां हैं, अब लेकिन होता क्या है उस मंदिर में 2 मूर्तियां और स्थापित हो गई, तो अब 2 मूर्तियां स्थापित हो जाएगी तो बाद में कुल मूर्तियां कितनी होगी x प्लस 2 और प्रत्येक पर कुल x प्लस 2 होंगे, तो कुल फूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का वर्ग। प्रश्नानुसार क्या हुआ, अब कुल फूल जो थे x प्लस 2 का वर्ग था, पहले फूल जो थे x स्क्वायर था, लेकिन 24 फूल की उसे और आवश्यकता पड़ रही है, यानी प्लस का 24 और आ जाएगा। अब इसको हम हल करना चालू करेंगे, तो हम हल करते हैं अगले पेज पे चलते हैं। अब इनको हल करना है षट समीकरण के द्वारा हल करना है, तो x धन 2 का वर्ग ऋण ये x का, इसको इधर ले आए, x का वर्ग हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। तो अब जो षट समीकरण लगानी है वो a ऋण b का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, a धन b हो जाएगा और a ऋण b हो जाएगा। जरा देखते हैं क्या हो गया इसमें, तो x धन 2 प्लस x हो जाएगा और दूसरे में क्या हो गया, x धन 2 माइनस x हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। देखो यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ x और x मिलके 2x हो गया, धन 2 हो गया और गुणा में 2 बचा और ये 24 हो गया, तो 2x धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2x बराबर 12 ऋण 2
दो एक्स बराबर कितना बचा, 10। तो एक्स बराबर हो गया 10/2, 2 5 10, एक्स बराबर 5। क्या पूछा गया देखना है। अतः मंदिर में पहले 5 मूर्तियां थी, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो खेत का क्षेत्रफल लिख देते हैं। खेत का क्षेत्रफल बराबर हो गया एक्स का वर्ग माइनस 25 वर्ग मीटर। इस खेत की लंबाई दे दी है तो लंबाई भी लिख लीजिए, लंबाई बराबर है एक्स धन 5 मीटर। चौड़ाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई के लिए क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा। तो चौड़ाई निकालनी है हमें, क्षेत्रफल कितना दिया है, एक्स का वर्ग माइनस 25 दिया है और ये एक्स धन 5 दिया हुआ है। इसको हल कर लीजिए तो ये एक्स का वर्ग माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा बटे एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ये एक्स धन 5 हो जाएगा और क्या होगा, एक्स ऋण 5 हो जाएगा और काटेंगे किससे, एक्स धन 5 से कट जाएगा, कितना आ गया, एक्स ऋण 5 मीटर आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई हमारी एक्स माइनस 5 मीटर। ये उत्तर है इस प्रश्नावली का। अंतिम प्रश्न आ रहा है, एक आयताकार आईने की चौड़ाई और लंबाई फिट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो माना आईने की चौड़ाई बराबर एक्स तथा लंबाई बराबर एक्स धन 1। अब कह रहा है इनके वर्गों का अंतर, तो एन वर्गों का अंतर मतलब एक्स धन 1 का वर्ग और ऋण 1 का वर्ग बराबर 5, ये दिया हुआ है 5 वर्ग, तो वर्गों का अंतर इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। अब क्या करेंगे, इसमें सरसम का वही लगाएंगे, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b। चलो लगा के देखते हैं इसमें, तो एक्स धन 1 धन एक्स हो जाएगा और दूसरे में एक्स धन 1 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 5 है। यहाँ एक्स से एक्स कट गया तो ये 2x धन 1 हो गया और बराबर 5 बच गया, तो 2x बराबर 5 माइनस 1, तो 2x बराबर कितना हो गया, 4 आ गया। तो एक्स बराबर हो जाएगा 4/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें क्या बतानी है, तो चौड़ाई कितनी आ गई है, चौड़ाई बराबर हो गया 2 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2 धन 1 यानी 3 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। लंबाई और चौड़ाई हमारी निकल गई है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो रही है। इसके नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों, जिससे कि जब भी कुछ नया डालूं आप लोगों को तुरंत मिल जाए आपके मतलब का, और ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इसको लाइक भी करेंगे बच्चों जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरा वीडियो ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है, कमेंट्स भी करेंगे और उसी के अनुसार मैं आपको वीडियो बना करके देता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।